मारे कोई फोन तो कर ले। सुबह से तो करने लग रही हो, क्या करूं, फिर करता हूं, पता करता हूं मैं। मेरे बापू के बगैर मेरा दिल ना लग रही हो। हेलो, क्या सीन है? बापू नहीं आया क्या? आए आए, खल्ला ने जीना की तरफ देखा नहीं क्या? केरोसिन की दुकान में शाम को बैठे हो, नहीं देखे तुमने? नहीं बापू तो वहां नहीं गए हो। बापू तारा गयो। माँ मैंने तो मुसीबतों में अलार्म भी करवायो, टांगे में अलार्म भी करवाया, स्पीकर देकर थाने में ऐलान भी करवाया, तो खेतों में काट ना गया हो। छोटा सा तो था, कितना भी काट गए होंगे। मैंने तो टांगे वाले को बोला, मैंने कहा छोटा सा आदमी किट्ठा सा देखा नहीं तुमने? छोटा सा आयो, छोटे की वजह से तो इतना बड़ा हुआ। माँ क्या कह रही है ना, एक इल्तिजा एक बेटे की, मारी इल्तिजा सुन ले माँ। मेरे बाप की कब्र की मट्टी सूखने से पहले तने शादी नहीं करनी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ माँ। आय ना मुराद कैसी बात करती, कि तेरे बाप की मिट्टी जब तक ना सूखे मैं शादी ना करूंगी, मैं खुद सुखाऊंगी उस मिट्टी को, चारों तरफ पक्खे लगाऊंगी, रातों से पक्की जल जल के उसकी मिट्टी खुश्क करूंगी, अपनी इज्जत पूरी करूंगी और उसकी मुद्दत पूरी करूंगी, फिर मैं दूसरी शादी करूंगी, फिर मैं अपनी आदत पूरी करूंगी। अम्मा मैंने तारी समझ भी ना आवे, वैसे अब्बा नाराज होके क्यों गया था? कोई खास बात नहीं थी, इतनी इतनी बड़ी बातें मैंने की तब ना छोड़ के गया। रात 1 बजे उसकी आँख खुली है, मेरे कमरे में सो रहा था, उठा कहता लुगाई मैंने तो कुछ बात करनी है तेरे से। मैं क्या, अपने कमरे में बेटा सो रहा, बस इसी बात का सुन के तो भाग लिया। मैं पीछे रह गई, मैं बताता मैं छत में सो जाता। मैं बेटा ये बाहर से रोने की आवाज आ रही, सुनाई तो मन्ने भी दे रही है। मन्ने कोई बात अच्छी ना लग रही। बाहर निकल रूपी मारे, हमारे घर में पोत की और ये रूपिया बढ़ाए। मारे डाला अल्लाह मारे डाला। ये कौन है? अरे तेरा कसम। पड़ पड़ के ना फूके। बापू बापू ते उस बंदे का नाम मन्ने बता, सारे को धरती में गाड़ दूंगा। बेटे अब क्या धरती में गाड़ेगा, वो तो तेरे बाप को गाड़ गए। आए गाड़ गए क्या? तेरी माँ से अगर लड़ाई हुई थी, हुई थी बरात वाली बात बताया मैंने, ऐने तो को नहीं पता, वो तो सोडो नहीं सोनी रात हो। मैं तेरे वास्ते फ्रूट लेने वास्ते गयो हेड़ी पे। मैं बैठे क्यों भाई सेब के बाए, वो कहने लगा भाई 400 रुपया किलो। फिर मैं कहा केला कैथरा है, कहने लगा 300 रुपया दर्जन। अमरूद पूछो, सारा फ्रूट का रेट पूछ गया। मैं कहा एक एक दानो 1 किलो तोल दे। बड़ बंदा 5-6 लगा बड़ा भो मारे हुए, भो मारे ना रो ना रो। रो क्यों कुनी, मैं कह रहा बाप को तो कल्ला कल्ला आगे लड़ो, मेरा जवान बेटो हुआ रे तो के कर रहा तू? जवान बेटो आ तो के कर रहा तू? उनको साला को धरती में गाड़ देता। उन्होंने कोई करा बेटा, वहां धरती तो खुली कोनी थी, गटर खुला था, उन्होंने मुझे वहां गाड़ दिया। अरे मैंने कहा जाल वो मैं कल्ला तुम 5। अरे बाप की हो तो कल्ले कल्ले लड़ो, कल्ले कल्ले ने भी मारा। अरे ओ बनेगा, ओ बनेगा, मेरी बात सुन लो, ओ तुम सारे मेरी बात सुनो, इतने अगर बदमाश हो ना तो मेरे दरवाजे पे आके लड़ो, घर में तो बिल्ली भी शेर हो गए।
या ब्याग हमारा। एक चीख ही मार देता मैं ही बाहर आ जाती। बोलने का तो मौका ही कौन दिया पत्री किन्नू किन्नू गुस्सा लायो। फिर पट्टी करवा एक बार जरीना कौन है वो परला घर हमारा भाई जिसी। वो जरीना भाई जंग सा तू पकड़ ये मैं पकड़े गयो बात कर तो बा बा बन्ना अस्पताल लेगी। जरीना साथ की तेरे मेरी लुगाई मेरी बात समझ क्यों नहीं आई। अरे तन्ना बथान तो लाग रही हूँ जद पट्टी करा गा जरीना मन्ना बुआ गा गा छोड़ गी। अरे जरीना को नाम ले लाग रही हूँ। अरे तो एक छोर मोहल्ला को बोलो चाचा बाजू टूट गयो के। मैं कहा कोनी बेटा फैशन है। बच्चा ये अजीब तरीका का हो गया इभी आन लाग रहे हो एक जनाजो आन लाग रहे हो। मैं कहा बेटा से पूछो मैं कहा बेटा तेरो बाबो मर गयो के। कहना कोनी सैर करान ले गन जान ला गए। कहना जो तू कहोगे तो तारा घर छोड़ देगा वापसी में उठा लेगा। तो जो अजीब दौर आ गया जगह कहना जो पूछो पुट्टो ही जवाब दे। मैं एक बंदे ने पूछो मैं कहा भाई आंखा वाला अस्पताल किन्ने है। कह इन्हें वैगन के नीचे आ जाते ना आप आंखा वाला अस्पताल छोड़िया मैं मजाक कर हर बतो। अब हाँ जरीना का शुक्रिया अदा करो। भाई बापू पे गयो बापू पे गयो। और जरीना को शुक्रिया अदा करने जान लाग रही है बेटा ना जाई एटम बा एक लिए है। तो तय चला जा। इतनी देर से मैं को शुक्रिया ही अदा करने लाग रही हूँ रांड तना समझ क्यों को नहीं आन लाग रही। ए बावली होगी के तू ए तना का आका बैर मेरी तकलीफ से बुरी हालत हो रही तेरा फर्ज बना है के तू दुखती मेरा मार गए सपू उनका पता बता मैं सालों को धरती में गाड़ दूंगा। बेटा मेरे पसीनों तो सूख लिए चिकन में किन्ना गाड़ा को बने तू कितना कस्सा बजा बगी रे बेटा। तो अच्छा बता के हो रहा। अरे ओए ओके तो नजर कोनी और लाग रहे हो के। अरे ऐप ही मारे हुए ऐप ही मारे हुए बने तकलीफ तेरी बर्दाश्त ना हो बापू तेरा मन ने पता बता दे उनको धरती में गाड़ दूंगा सालों को। ये बता दियो तो चले जाओगे। नहीं बता बेटा ये बता दियो तो चले जाऊंगा। कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं तू खा पी के आराम करो बापू देसी घी तन्ना खुआयो आप को नहीं खाओ। आप बनास्पति में गुजारो करन लाग रहे हो तन्ना ले गई थी मॉडर्न औरत और ब्रेलर पे गुजारो मैं करन लाग रहे हो। तेरो बड़ो जो मार दियो रे जालिम औरत। अरे मैं किन्ना चले जाऊं जरीना माँ को याद करते हैं दुख में माँ को याद करते हैं। और जरीना माँ तेरी बनने वाली है मेरी। हर चीज तना चुभे हर चीज चुभे ए लुगाई तना हर चीज चुभे मेरे दिल के लात मार के आए पैर भी छोटा बाजू भी छोटा। अरे पांचा घुसन तो मेरा ऊपर गुजर गया। बलाई को जमानो को नहीं मेरे भाई ना। अब तो छुड़ावन वाले ने भी पांच छह पड़ जावे जिस तो छुड़ावे नहीं मैंने भी आठ नौ घुसन पड़ जाए बेटा। अब तो कोई काम रहे ही को नहीं बलाई को दौरी को नहीं रहे हो। अब देखनी जरीना को मारे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जरीना मना अस्पताल लेगी अपना पल्ला सुमन ड्रिप लगवाई अपना पल्ला सुमन गोलियां ले गए दी अपना पल्ला सुमन रक्षा में बिठा गए अपना पल्ला सुमन उतार गए अपना पल्ला सुमन घर छोड़ के चली गई। कत समझ आवेगी तन्ने कर सक असक की जो चिंगारी है ना ऐसु बड़ा बड़ा घर सड़ जावे। एक छोटी सी चिंगारी एक सक ऐसी दीमक है जो अंदर ही अंदर घर ना खराब करती जावे। कभी भी इंसान ने सक को नहीं करना चाहिए जब तक थाने पक्को यकीन ना आ जाए सक की एम एस सक में आदमी डबल माइंडेड होगा अपना घर खराब कर दे। ऐसा सक को नहीं करना चाहिए। अब पकेंगे बात में इतबार कर लिया कई सुनी बात पे इतबार को नहीं करना चाहिए। चत कर इंसान अपनी आंख सुना देख ले आ बात मेरी पल्ला बांध ले तू
मैं तुम्हें बताऊं, शक ना कर जरीना, बहुत अच्छी है और हमारा वास्ता अच्छी है, हमारे घर का वास्ता अच्छी है। पहले था देखो था कि जब आदमी नाश्तो चूल्हा गिर्द गिर्द बैठ के करा था तो तारा बना था तवा के पीछे कि भाई रिस्क बढ़ने की अलामत थी। अब कौन बैठा है सागे? अरे कोई बैठे है कई भी सागे है ना? कहते तू पूछे कि अब्बा तेरा हाल के है? ओ के हाल कर गयो तेरा? उठ जा, बापू के लिए दूध गर्म करके ले आ। गर्म दूध ईट भी गर्म करके ले गए। ईट भी मेरा माथा में कोनी मारनी, टकोर करनी है, रेत गर्म करके लिया। जाने लाग रही हूँ जावा तो यूं है जब भैंस को लेकर बेटा गर्म कर जा बेटा। सारी तबीयत ठीक हो सकती है क्या तेरा बेटा? जरीना का बस चले नाजरीन, वो प्रोग्राम मारो शक पो जी, यकीनन थे पसंद करे होगो। मैं उम्मीद करूँ सूँ कि थमें खिचड़ी फैमिली वो एपिसोड भी अच्छो लागे होगो। अपना कमेंट्स जरूर भेजना और पाक हरियाणवी कल्चर टीवी जी सब्सक्राइब जरूर करना। थारो इंतज़ार करूँगा, थारो भाई नवाज़ जी।